गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास वीडियो वी लर्न अबाउट दैट द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक्स, ठीक है, नीड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास वीडियो में। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप पिछला क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने अपना वर्क कंप्लीट किया होगा, पढ़ लिया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज न्यूट्रिशन। कह रहे कि द प्रोसेस जो प्रक्रिया है प्रोवाइडिंग एंड ऑब्टेनिंग जो प्राप्त करने की ऑब्टेन करने की जो प्रक्रिया है द फूड भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है जो कि नेसेसरी है आवश्यक है फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए एंड ग्रोथ हमें वृद्धि के लिए इज न्यूट्रिशन। वह क्या है? न्यूट्रिशन है पोषण है। जिस प्रोसेस के द्वारा हम भोजन को प्राप्त करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे वृद्धि के लिए हमारे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं, पोषण है। देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पोषण के दो प्रकार होते हैं, मेनली टू मोड होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, स्वपोषी एंड परपोषी, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमको यहाँ से पढ़ना था ना, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना स्वपोषी न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण। द टर्म ऑटोट्रॉप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। द टर्म जो ऑटोट्रॉप शब्द है वह किससे लिया गया है? दो ग्रीक वर्ड्स मिलके किस बना है? टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक शब्द से मिलके बना है। ऑटोज पहला शब्द क्या है? ऑटोज मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्वयं, एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, स्वयं का जो पोषण है वही क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, इन द मूड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स साल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? क्लोरोफिल द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। कह रहे हैं कि क्लोरोफिल द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, क्लोरोफिल क्या है, पढ़ारिम क्या है? वह पौधों में पाया जाने वाला एक हरा पदार्थ है, एक पिगमेंट है, पदार्थ है, एब्जॉर्ब जो अवशोषित करता है सनलाइट सूर्य के प्रकाश को या प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम से द सन सूर्य के द्वारा सूर्य से सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। फूड के बनाने के लिए भोजन को प्रिपेयर करने के लिए ये क्या करता है? सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन? क्लोरोफिल। दस इसलिए द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट, इसीलिए इसी कारण जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है स्वपोषी पोषण होता है वह वनली इन ग्रीन प्लांट कहाँ होता है? वनली ग्रीन प्लांट्स में, केवल हरे पौधों में। द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो प्रक्रिया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हो रहा है, बन रहा है, प्रिपरेशन फूड प्रिपेयर हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, यहाँ आपका ये फिगर जो दिया हुआ है, एक मिनट, फिगर जो दिया हुआ है आपका, ये आपका सन दिखाई दे रहा है। ओके, अभी हमने पढ़ा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स होता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल साल्ट एंड सनलाइट। ठीक है, यहाँ आपके पिक्चर्स में दिखाया गया है, आप ये देखिए, ये आपका क्या है? सन है, यहाँ सनलाइट आ रहा है किसके तरफ? यहाँ हमारा एक पौधा है, पौधे को बनाया गया है, ये हमारा पौधा है। ठीक, पौधा सनलाइट आ रहा है, सनलाइट कहाँ पड़ रहा है? इस पत्ती पर। ठीक है, और ये आपका एरो दिखाया हुआ है
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, वातावरण से ले रहा है, ठीक है। ये आपका रूट है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है कौन, पौधा वाटर एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ सॉइल में ही मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक। जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाता है तो इन पत्तियों में, फल में, हर जगह क्या होता है, स्टार्च जमा होता है, स्टार्च जो जमा होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ वायुमंडल में फिर क्या छोड़ता है ये पौधा, ऑक्सीजन, क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। मतलब ये हुआ कि यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया कौन, ये पत्ती, ठीक। और वायुमंडल से CO2 एब्जॉर्ब किया, वायुमंडल से CO2 लिया, ठीक। इसमें अपना भोजन प्रिपेयर कर लिया, भोजन बना लिया, ठीक। साथ ही साथ अब यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे जो हैं वह पौधे भोजन बनाते हैं और हमारे लिए भी वो मदद करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। कह रहा है ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं थ्रू ए प्रोसेस, जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब यहाँ दिया हुआ है आपका, फोटोज मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। मतलब ये हुआ कि फोटो लाइट को जब जो कंबाइन करता है, जोड़ने का काम करता है, वही क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ओके स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर इज टेकन। कराया फोटोसिंथेसिस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले जाती है, वायुमंडल से ले जाती है। अभी आपने देखा एटमॉस्फियर इज टेकन इन बाय द लिप्स, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी हमने आपको पीछे समझाया फिगर्स में, आपको सेम वही, लाइट्स एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस स्टार्च एंड ऑक्सीजन। जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टार्च एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कौन, जो पौधे होते हैं। द स्टार्च इज स्टोर इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन टू द एटमोसफियर। करा कि जो स्टार्च होते हैं वह कहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के भिन्न भिन्न या बहुत से पार्ट होते, भाग होते हैं, जहाँ पे स्टार्च को स्टोर कर लिया जाता है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन टू एटमॉस्फेयर, रिलीज में होता है छोड़ना, रिलीज कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन को कहाँ, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, ठीक है। इन शॉर्ट, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट फ्रॉम कार्बन डाई एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी हम आपको शॉर्ट में अगर कहा जाए, शॉर्ट में आपको आंसर देना हो तो क्या लिखेंगे आप, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप यहाँ लिखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट, सॉरी बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ओके। आप इसका आंसर यही लिखेंगे, अभी क्वेश्चन आपको देंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ओके स्टूडेंट्स। ये रहा आपका आज का टॉपिक, नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, ओके ठीक है। नेक्स्ट डे हम ये पढ़ाएंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे कि आपके स्क्रीन पे जहाँ वीडियो चल रहा है उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, रेड कलर में, उसको आप क्या करेंगे, आप टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स।